थानाबाद लोकसभा क्षेत्र के कोई लोकल उम्मीदवार को दे दें लालू जी, उसको हम लोग चुनाव जिता के लावेंगे। और नहीं तो अगर सुरेंद्र यादव के या रिंकू यादव के टिकट देंगे तो हम लोग फिर हार का सामना करना पड़ेगा उनको। चार बार हम लोग उनको वोट दिए, 20 बरस से हम लोग एमपी नहीं है। चार बार से सुरेंद्र यादव के लालू जी टिकट देते हैं, बार बार हार जाते हैं। और लालू जी और तेजस्वी जी नहीं जाए पर करने, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे। कंफर्म है कि चुनाव हार जाएंगे। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में राबड़ी आवास के पास लालू यादव कई लोगों को टिकट दे चुके हैं। और आप देखिए जहानाबाद से ये तमाम जो लोग हैं वो चल करके आए हैं और नारे लगा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर में। जानेंगे कि जहानाबाद से आए हुए इन लोगों की आखिर यहाँ आने की जो है मंशा क्या थी, क्या है, आप लोग क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हम लोग चार बार से सुरेंद्र यादव के लालू जी टिकट देते हैं, बार बार हार जाते हैं। तो हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है कि माने नया चेहरा जहानाबाद के किसी को दे दे और लालू जी और तेजस्वी जी नहीं जाए पर करने, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे। हाँ, लोकल चाहिए हमको जहानाबाद के, लोकल उम्मीदवार हम लोग के चाहिए, सुरेंद्र यादव उनका दबाव नहीं चाहिए हम लोग को। बहुत ज्यादा है, जहानाबाद से चार बार हार रहे हैं ना। चार बार हम लोग उनको वोट दिए, 20 बरस से हम लोग एमपी नहीं है। हम लोग एमपी देखे भी नहीं किए हैं अभी तक। अभी तक हम लोग ससुर आरजेडी के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सब हम लोग कार्यकर्ता है, 20 गो मुखिया है। हम लोग को कुछ नहीं कहना है कि हम लोग को सिर्फ चाहिए कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के कोई लोकल उम्मीदवार को दे दें लालू जी, उसको हम लोग चुनाव जिता के लावेंगे। और नहीं तो अगर सुरेंद्र यादव के या रिंकू यादव के टिकट देंगे तो हम लोग फिर हार का सामना करना पड़ेगा उनको। हार निश्चित है। आप लोगों की पार्टी का अगर कोई जा रहा है तो उसे हम लोगों को मान सम्मान का ठेस पहुंच रहा है। हम लोग को उनको आने से, बार बार हारने से हम लोग को मान सम्मान में ठेस पहुँच रहा है, इसीलिए हम लोग उनको नहीं अब चाहते हैं। हम लोग बार बार उनसे हम लोग अथी हुए हैं, शिकायत से पहुंच रहे हैं और हम लोग को बहुत अथी हो रहा है लोग। हाँ, इस बार भी हमारे क्षेत्र में सभी लोग का चर्चा है कि उस आदमी को छोड़ के देगा तो चुनाव जीत जाएगा लोकल। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से तो चर्चा है, उन्हीं का नहीं, उनको यहाँ जहानाबाद में कोई चर्चा नहीं है। मैडम मिला है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी पार्टी दे रही है ना, पार्टी आपकी दे रही है ना, इसमें मीडिया क्या कर रही है? पहले सुन लीजिए, अभी लालू जी सिमुल तेजस्वी जी नहीं दिए हैं और न्यूज वाले लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। जहानाबाद का सिमुल अभी लालू जी नहीं मिल रहा है। हम लोग को स्थानीय का मांग है, स्थानियों को मिलेगा। स्थानीय नेता का हम लोग मांग करने आए हैं, मांग करने ना। हाँ हाँ, पता है कि कौन है? सुनेंगे लालू। हाँ, सुनेंगे, ये है हम लोग को। क्या कोई है आप लोग की नजर में जिसको आप लोग चाहते हैं? चेहरा लालू जी को तय करना है, कार्यकर्ता में से तय करना है कि लोकसभा में जहाँ से और मेरा एक सवाल है कि अगर हाँ, अगर जनता की बात को नहीं सुनते हैं, 6 गो जहानाबाद लोकसभा में विधान सभा क्षेत्र है, 6 विधायक को बुला कर बैठ कर उन लोग से पूछ लीजिए, तय कर ले लालू जी कि हाँ किसको चाहिए। 6 को आपका विधायक है ना, ऐसे क्या दिक्कत हो जाता है सुरेंद्र यादव के साथ? हम लोग मर रहा है, खेत खरिहान वाला मर जाता है, तो मोटा जाता है बार बार, फिर विधानसभा में जीत जाएगा, मंत्री बना देगा, हम लोग क्या करेंगे? कोई एगो अफसर सुनता नहीं है, कोई काम नहीं होता है, जनता का विकास हमारा अवरुद्ध है। आप लोग अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो नेता गलत करेगा तो क्या करे? अगर आदमी से खिलाफ है, हम लोग नेता से खिलाफ नहीं है, बाहरी हम लोग स्थानीय लोग चाहिए। हम लोग नेता का खिलाफ करने नहीं आए हैं, हम लोग बाहरी आदमी को खिलाफ करने आए हैं। हम लोग का लोकसभा क्षेत्र का कोई गरीब के बेटा के टिकट लालू जी देंगे, उसको हम लोग सम्मान पूर्वक जिता के भेजने का काम करेंगे। लेकिन बाहरी को बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 20 साल से जहानाबाद की जनता भोग रहा है इस चीज़ को। बार बार लालू जी 7 दिन लिख करके कि जब तक सुरेंद्र यादव बचेंगे जब तक जहानाबाद से वही उम्मीदवार रहेंगे, हम लोग टिकट मांगने नहीं आएंगे। और अगर जनता की आवाज़ सुनते हैं तो जनता मांग रहा है कि कोई गरीब गुरबा बच्चा बाल बच्चा को भेज दें। दिक्कतें होती है आप लोगों को जहानाबाद में, जैसे आप उनसे पता है जहानाबाद में कोई नहीं है। तबर भी चुनाव लड़े थे, तबर चुनाव लड़े थे
तो जहानाबाद अरवल वाले को यही कहते थे सुरेंद्र यादव कि अरे ऐसे वाली है जहनी मार मिली वाले सोना के पसेरी दे दही। और लालू जी से भी बात को हम रखे थे तो लालू जी कहें कि हाँ ये गलती बोलता है तो हमने के सोना के पसेरी दखल है इस तरह के भाषण देते हैं। किसी को अगर उम्मीदवार बना दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से क्या गारंटी है कि वो एनडीए के कैंडिडेट 100% गारंटी है दूसरा कोई भी उम्मीदवार अगर आ जाएंगे एक आध दूसरा को टिकट देंगे तो स्थानीय को अगर टिकट देते हैं लालू जी तो 1,00,000 वोट से गारंटी के साथ जीता कर चुनाव में उम्मीदवार का भी तो जनाधार होगा तभी तो जीतते हैं। जहानाबाद में कोई जनाधार केवल लालू जी का जनाधार है केवल लालू ससुर दामाद छोड़ के जिनको टिकट दीजिए हम लोग कोई आपत्ति नहीं बार के चलते हारते हैं उम्मीदवार को चलते इसलिए हम लोग के मांग है लोकल आदमी का दे दे हम लोग जिता के यादव को आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे फिर हरा देंगे फिर हरा के भेजेंगे। हाँ ससुर दामाद के नहीं चाहिए ससुर दामाद छोड़ के किन्हीं को टिकट मिल जाए हम लोग चुनाव जिता के बात कर रहे हैं तो हम लोग को मगध में 6 विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा जहानाबाद में तो एको कहाँ जदि वो बीजेपी जीता है हम लोग सही उम्मीदवार भेजे 6 सीट जिता के भेजने का काम किए हैं। और वो 6 उम्मीदवार भी लालू जी बुला लें जो 6 विधायक हमारे हैं दल का खास माने जाते हैं बार हारते हैं क्यों चलते खास माने कहाँ जाते हैं फिर हार के आवेंगे फिर जाएंगे फिर हारेंगे बार बार तो ही हो रहा है 20 वर्ष से हम लोग एमपी देखे नहीं है विकास हम लोग अगर ज्यादा लालू जी के लग रहा है कि लोग आया है मांगने तो हमारे 6 विधानसभा में 6 विधायक है 6 के बुला करके इंटरव्यू ले ले कि क्या जीतेगा चुनाव जिला अध्यक्ष है आप लोग सुरेंद्र यादव को लोकसभा का टिकट नहीं पूरा जहानाबाद का मांग है कि जो चर्चा पर चुनाव हारते गया है उसका टिकट क्यों दिया जाता है पूरा पूरा नहीं किसी को जहानाबाद के कोई है ही नहीं नेता है किसी को भी उठा के दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा जहानाबाद से। मांग है कि बदल के लाइए बदल के लाइए बदल के लाइए क्या आप लोग करते हैं पूरा जहानाबाद की जनता कोई भी समाज का मांग है कि कोई के भी दे दे जहानाबाद का नेता नहीं है क्या किसी को लालू जी दे देंगे 600 को हमारा विधानसभा के विधायक लोग हैं उनसे भी राय सलाह ले लें कंफर्म है कि चुनाव हार जाएंगे हम लोग के दूसरा उम्मीदवार बदलता है तो 1,00,000 वोट ऐसी प्लस कर जाता है इनका व्यवहार इनका आचरण इनका संस्कार से मतलब वोट 1,00,000 हम लोग के इनका टिकट मिलता ही मायूस होता है कुछ सारा चीज खराब है सारा चीज खराब है इनका वर्कर के सम्मान के इनको देहन में कुछ है कि लोकसभा में मान हारते हैं चुनाव या जीतता है आदमी तो पब्लिक के बीच में रहता है कभी आज तक कोई किया नहीं होता पहानी दुख सुख मरनी जीनी कुछ में भी नहीं जाते हैं। तो देखिए ये लोग हैं और जहानाबाद से चल के आए हैं आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं और लालू यादव से ये गुहार लगाने के लिए ये पहुंचे हैं कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाए क्योंकि वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इनका कहना है और कह रहे हैं कि किसी भी और कैंडिडेट को उतार दीजिए लेकिन सुरेंद्र यादव को नहीं उतारिए हम लोग एक भी एमपी का मुंह नहीं देखे हैं आज तक आरजेडी की तरफ से और सुरेंद्र यादव पिछले 4 बार से लोकसभा चुनाव वहां से लड़ते आए हैं और 4 बार उनकी करारी हार होती है क्योंकि उनका बर्ताव सही नहीं है और इस चीज़ को लेकर के ये लोग सुरेंद्र यादव के खिलाफ में ये तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जहानाबाद से आए हुए हैं और लालू यादव से मिलने के लिए आए हुए हैं कह रहे हैं कि इस बार सुरेंद्र यादव को किसी भी कीमत पर ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि टिकट बांटने की होड़ चल रही है आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास में बैठ करके लालू यादव टिकट बांट रहे हैं और जहानाबाद से आखिर इस बार किसको महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा ये देखना होगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।